नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाउ टू लर्न एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, तेल कई प्रकार का होता है। सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सूर्यमुखी फूल का तेल, जैतून का तेल, पाम का तेल। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए उपायों का यदि आप पूरे विधि विधान से पालन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा व साथ ही साथ आपके भाग्य उदय के होने के आसार भी बढ़ जाते हैं। भाग्य उदय के साथ साथ आपकी किस्मत के सभी सितारे चमकने लगते हैं। इसीलिए प्रत्येक वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए पूरे उपायों को पूर्णता सुने, पूरी वीडियो देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी हो सके। वैसे तो धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को याद किया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा बड़े विधि विधान से और पूरे सच्चे मन से श्रद्धा भाव से की जाती है, लेकिन माता लक्ष्मी के साथ साथ नारायण यानी श्री हरि विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए ताकि आपको हर प्रकार का सौभाग्य व सुख समृद्धि व शांति प्राप्त हो सके, साथ ही धन कमाने की सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो सके। सोयाबीन का तेल और रेप सीड का तेल, इन सभी तेलों का ज्यादातर उपयोग जो आपके खाने पीने की चीजें होती है उनको तलने के लिए या सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। नीम, अरंडी, चमेली, तिल, अलसी, कपूर, राई, आंवला, इन सभी का तेल हमारी सेहत के लिए आयुर्वेदिक नुस्खों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो हम आपको खाद्य पदार्थों या फिर आपके आयुर्वेदिक नुस्खों के लिए तेल के इस्तेमाल के रूप में नहीं बता रहे, बल्कि आज की इस वीडियो में हम आपको सरसों के तेल या फिर अन्य तेलों से आप क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अब तक आपने लाखों उपाय किए होंगे, भिन्न भिन्न उपाय किए होंगे, लाख मेहनत करने के बाद भी जब आपका किस्मत आपका साथ नहीं देती है तब आप निराश हो जाते हैं। आप बहुत सारे उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन किस्मत है कि जो बदलने का नाम ही नहीं लेती है। तो दोस्तों, आज हमारे द्वारा बताया गया ये उपाय भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। हमें विश्वास है कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, हनुमान जी को हर मंगलवार या फिर शनिवार को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से हनुमान जी को धूप या अगरबत्ती लगा करके करते हैं और उनको फूलों का हार अर्पित करते हैं और हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक भी जलाते हैं और उनकी प्रतिमा पर लगाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देख लें और शनिवार के दिन शाम को शनिदेव के मंदिर में रखाएं। ध्यान रहे कि आपको ये उपाय शाम के समय ही करना है। इसके अलावा आप अलग से शनिदेव को तेल चढ़ा भी सकते हैं। अलग से का मतलब है जो छाया के लिए आपने छाया देख करके तेल जो है वो आपको केवल रखकर आना है, और अगर आप शनि देव की मूर्ति पर चढ़ाना चाहते हैं तो अलग से तेल लें और उसे जरूर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपके शनि देव की अगर कोई कुदृष्टि आपके ऊपर है, कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र खराब हुआ है या फिर शनि दोष चल रहा है, शनि की साढ़े साथी ढैया, तो वो तो दूर हो ही जाती है। इसके अलावा अगर नहीं भी है, कोई साढ़े साथी या ढैया नहीं है, शनि दोष नहीं है, तो भी आपके ऊपर शनि देव की कृपा बनी रहती है। पीपल के नीचे सरसों के तेल का जो उपाय है वो तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आपको हम खास तौर पर बता रहे हैं कि आप 41 दिन तक लगातार सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। आपकी जो भी मन में दबी हुई इच्छा होगी वो आपको बिना मांगे ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, तिल का तेल होता है, तिल के तेल का दीपक जो है आप लगातार 41 दिन तक पीपल के नीचे अगर जलाते हैं तो आपके अगर कोई आपके घर में कोई भी किसी प्रकार का आपके शरीर में या आपके घर में कोई रोगी है, आपके शरीर में कोई रोग है, असाध्य रोग जिसे कहते हैं, जो कि लाख उपाय करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, तो वह भी दूर हो जाता है। साथ ही आपको धन लाभ के अवसर भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप लाखों जतन करने के बाद भी मनचाहा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, आपको धन अर्पित कर अर्जित करने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आज हम आपको शनिवार के दिन एक उपाय जो आपको करना है उसके बारे में बता रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूले। दोस्तों, किसी भी शनिवार को आप 1.25 किलो आलू और बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बना लें और उतनी ही पूड़ियां आप सरसों के तेल में बना करके एक अंधे, एक लंगड़े और एक गरीब लोग को भोजन करा दे। ऐसा कम से कम आप 3 शनिवार को करें और आपकी जितने भी मनोकामना है धन को अर्पित करने की वह निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, आपने अब तक बहुत उपाय किए हैं, लाख जतन किए हैं और बार बार प्रार्थना करने के बाद भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रही। आपको दुर्भाग्य है कि आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे को और पुराने गुड़ को लेकर के 7 पुए बना लीजिए। अब आपको आग के फूल, सिंदूर और आटे से तैयार
यानी कि आपको आटे से एक दीपक तैयार कर लेना है, उसमें आग के फूल और सिंदूर रख लेना है और इसे किसी भी पीपल के पत्ते के ऊपर रख करके शनिवार की रात में किसी चौराहे पर रख कर आए और साथ में उसी पत्ते के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल गिरा दे और ये बोले, हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपया करके मेरा पीछा ना करना। और ये सरसों का तेल, आग का फूल और सिंदूर जो आपने दीपक में डाला था और इस पीपल के पत्ते पर रखकर जो सामग्री रखी थी, इसे वहीं रख करके आप बिना पीछे मुड़े देख करके अपने घर आ जाए। दोस्तों यह उपाय एक बार आप कर लीजिए, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कितना फर्क देखने को मिला है। हमें आशा है कि आपका जीवन ही बदल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मेजा, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली।